हम बात कर रहे थे नाज़रीन, वेलकम बैक, के हैप्पीनेस इज़ नॉट एन इमोशन, इट इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे मैंने आपसे मोनोलॉग में स्टार्ट में कहा था कि मेरे एक टीचर ने कहा था कि वी डोंट नीड एन इवेंट, हमें किसी इवेंट की ज़रूरत नहीं है टू मेक अस फील हैप्पी, ना हमें किसी इंसान की ज़रूरत है क्योंकि हमसे कहे, हमारी तारीफ़ करे, हमें इज्जत दे। द वेरी फैक्ट कि हम एग्जिस्ट करते हैं और सांस ले रहे हैं और हमारा वजूद है, हम जिंदा हैं, इज़ अ कॉज फॉर सेलिब्रेशन। यानी आप रोज़ सेलिब्रेट कर सकते हैं, रोज़ जश्न मना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई ओकेशन हो तो वही जश्न हो। इसमें जो चीज़ काबिल गौर और काबिल ज़िक्र है वो ये है कि अगर ये बात हम समझ जाएँ कि हम दूसरों पर डिपेंडेंट हैं अपनी खुशियों के लिए, तो शायद हमें ये ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा चक्कर जो है ना, ये समझ में आ जाएगा। लोग कहते हैं दुनिया माया है, इब्ने इंशा की एक बड़ी मशहूर नज़म थी ना, सब माया है, सब चलती फिरती छाया है, इस जग में हमने क्या खोया क्या पाया है, सब माया है। ये जो इल्यूजन है इस वर्ल्ड का, ये इल्यूजन हमें नहीं समझ में आता और हम इस इल्यूजन में इन्वॉल्व हैं ये समझ के कि हैप्पीनेस एक फीलिंग है, एक जज्बा है, जबकि ये नहीं है। दूसरा इल्यूजन, धोखा, फरेब, ये है जो हम अपने आप को देते हैं इस खारजी दुनिया की वजह से, इस मादी दुनिया की वजह से, वो ये है कि हम समझते हैं कि फला शख्स की वजह से मुझे खुशी मिलेगी, मेरा बेटा पास हो जाए तो खुशी मिलेगी, फला चीज़ हो गई, मेरा बॉस मुझे प्रमोशन दे दे, सैलरी मेरी इन्हेंस हो जाए, इंक्रीज हो जाए तो मुझे खुशी होगी। ये बात हम नहीं समझते कि लोगों की वजह से हमें खुशी नहीं होती। देखिए, जिस तरह कोई शख्स अगर कमान में तीर डालकर आपकी तरफ शूट करे और वो तीर जब आपको आके लगता है तो आपको तकलीफ होती है ना। या कोई माँ बड़े शफकत से अपने बच्चे के सर पे हाथ लगाए और वो जो टच है माँ के हाथ का सर के ऊपर, वो बच्चे के अंदर एक अजीब सा इत्मीनान पैदा करता है। वो हाथ एक ट्रिगर है, वो एरो तीर एक ट्रिगर है। कुछ ट्रिगर तकलीफ देते हैं, कुछ ट्रिगर्स कंफर्ट देते हैं, मगर है ट्रिगर्स। तो अतराफ में जो कुछ हमारे हैं, लोग हैं, हालात हैं, वाकयात हैं, दे आर ऑल ट्रिगर्स। वो ट्रिगर क्या करते हैं कि वक्ती तौर पर आपके इमोशंस को उभारते हैं, अच्छे या बुरे। किसी ने आपको गाली दे दी, बुरा बुरा कर दिया, तो नेगेटिव इमोशन ऊपर आ गया, गुस्सा आपके अंदर मौजूद था, आपने उस ट्रिगर की वजह से इजहार किया उस गुस्से का, या किसी ने आपकी तारीफ की तो आपको अच्छा लगा। तो जो ट्रिगर आपको मिलता है वो ट्रिगर ही दरअसल आपको मूव करता है। तो ज़रा सोचिए, अगर बाहर के ट्रिगर्स आपको अगर मूव करने लगे, कभी अच्छा महसूस कराए, कभी बुरा महसूस कराए, कभी बड़ा खुश महसूस कराए, कभी बड़ा उदास कर दे, तो दोस्तों ये ज़िंदगी आपके इख्तियार में नहीं है। जबकि रब ने आपको इख्तियार दिया है, मुकम्मल अमल और इरादे का इख्तियार, तो ये इख्तियार तो आपने दूसरों के हाथ दे दिया कि वो आपको खुश रखे या ना रखे। एक कॉल लेते हैं, बात करते हैं, कौन है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हेलो, इज इट रमशा? यस सर। क्या हाल है बेटा? मैं ठीक, आप कैसे हैं सर? मैं ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। सर आपको ईद मुबारक कहना था, वैसे तो बात ही नहीं हो पाई आपको और उरूज को भी, वो आज नहीं है, बहुत याद आ रही हो। चलें, वो आ जाएगी, कल होगी इंशाल्लाह, उसकी ईद आज खत्म हो जाएगी जी। उसकी बड़ी लंबी ईद होती है। अच्छा अच्छा, चलें सर, आपको भी और उनको भी ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, घर वालों को भी मेरी तरफ से ईद मुबारक कहिएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अगर ये रियलाइजेशन आपको हो जाए, और अल्लाह करे हो जाए, तो आप आज़ाद हो जाएंगे। आपको पता है हकीकत में फ्रीडम किसको कहते हैं? कई दफ़ा बज़ाहिर आप फ्री हैं, आप जो चाहें बोलें, आप जो चाहें खाएं, आप जिस तरह चाहें सोएं, आपकी मर्जी ना सोएं, रात को सोएं, दिन को सोएं, तो हमें लगता है फ्रीडम है। असल जो फ्रीडम होता है वो फ्रीडम फ्रॉम सेल्फ होता है। जिस दिन आप रियलाइज़ करेंगे कि नहीं, मैं मोहताज नहीं हूँ किसी का, कि किसी के अच्छा कहने से मुझे खुशी हो, ना ही किसी के कुछ करने से मुझे दुख हो, जिस दिन ये रियलाइजेशन होगी उस दिन आपको पता चलेगा कि स्टेट ऑफ बीइंगनेस जो है वो दरअसल हैप्पीनेस है। यानी अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर वदियत की है इस चीज़ को, उसकी रूह का हिस्सा है हैप्पीनेस। आपको समझ में आया मैं किस हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ? एक हैप्पीनेस वो है जिसका ताल्लुक ब्रेन से है,
इसमें कुछ हार्मोन्स पैदा होते हैं, इंडोरफिन एक हार्मोन होता है, और वो आपको प्लेजर, इसको प्लेजर हार्मोन कहते हैं, तो वो जब कोई ऐसी इवेंट बाहर होता है तो वो हार्मोन आपके ब्रेन में पैदा होता है एंड यू फील ऑन टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड। बाज़ लोग नरकोटिक्स ड्रग्स लेते हैं, वो ड्रग्स उनको एक्टिसी के स्टेट पे ले जाता है, वो ऐसा लगता है जैसे फ़ज़ा में वो झूल रहे हैं या फ़ज़ा में तैर रहे हैं। बट अगेन इट इज़ ऑल डिपेंडेंसी। अब ये डिपेंडेंसी जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे माफ़ी के साथ, आप कैद हैं, और कैद आप अपनी ज़ात के अंदर है, किसी जेल खाने में कैद नहीं है। यू आर अ स्लेव ऑफ योर माइंड। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि योर माइंड कैन क्रिएट अ हेल और अ हेवन। आपका माइंड आपके लिए जहन्नम क्रिएट कर सकता है इस दुनिया में, और इस दुनिया में भी जन्नत क्रिएट कर सकता है। आखिरत के बाद तो जहन्नम और जन्नत डेफिनेटली 100% है, हमारा ईमान है, मगर इस दुनिया में भी बहुत सारे लोगों के लिए दुनिया जहन्नम है, और बहुत लोगों के लिए, चाहे कम लोगों के लिए, जन्नत है। अब दोनों में जो फ़र्क है वो ये है कि जो शख्स दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं है, वो जिस वक्त चाहे, जब चाहे, वो खुशी को महसूस कर सकता है। एक कॉल लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? दुआ फ्रॉम कराची। दुआ, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप, मुझे लगता है क्या एज होगी आपकी दुआ? 8 years। ओह माशाल्लाह, माशाल्लाह। आई थिंक पहले भी आपने कॉल किया था ना? हाँ। ओह आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड। माशाल्लाह, अगर इस एज में ये प्रोग्राम आप देखती हैं, तो जब आप हमारी एज पे जाएंगी तो कितनी दाना और कितनी अकलमंद होंगी। थैंक यू। क्या पूछना चाहते हो बेटा? कि हर वक्त हैप्पी रहना चाहिए, कभी कभी गुस्सा भी करना चाहिए। वाह, ठीक है बेटा। एक तो आपको ईद मुबारक, घर वालों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक टू यू। सेम, थैंक यू बेटा। ओके, बाय। अच्छा, दुआ ने सवाल पूछा कि हर वक्त हैप्पी रहना चाहिए या कभी कभी गुस्सा आना चाहिए। जिस हैप्पीनेस की बात दुआ करती है, मैं उस हैप्पीनेस की तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है कि आप हर वक्त हैप्पी हो अगर हैप्पीनेस इमोशन है। मगर हैप्पीनेस अगर स्टेट ऑफ बीइंगनेस है, तो आप एक ट्रैंक्वैलिटी, एक पॉइज में रहते हैं। मिसाल के तौर पर साहिल समंदर पर सूरज को गुरूब होते हुए देखा, उस सूरज का आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, मगर वो नज़ारा जो है वो आपके अंदर एक ख़ास किस्म का इत्मीनान पैदा करता है, एक पीस पैदा करता है। तो इवेंचुअली पता चला कि जो हैप्पीनेस की जो हम बात कर रहे हैं कि स्टेट ऑफ बीइंगनेस है, दरअसल इसके कहते ही है टू बी पीस विथ वन सेल्फ, यानी आप एक ख़ास इत्मीनान की कैफियत में, एक सुकून की कैफियत में रहते हैं। गुस्सा आएगा तो वो एक इमोशन है और चला जाएगा। आप उस गुस्से को इस तरह देखते हैं जैसे आप सिनेमा के अंदर स्क्रीन के ऊपर फिल्म देखते हैं। जब आप फिल्म देखते हैं तो आप ये जानते हैं कि जो कुछ मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ ये रियल नहीं है, ये असली नहीं है, ये एक ड्रामा है, चंद देर के लिए, घंटे, दो तीन घंटे के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए है, मेरी तफरी के लिए है, और 2 या 2.5 घंटे के बाद ये ड्रामा ख़त्म, मुझे फिर वापस अपने घर जाना है या कहीं और जाना है। तो समझना ये है कि जिस वक्त ये समझ आ जाए हमें कि हम डिपेंडेंट नहीं होंगे किसी पर भी कि वो हमें खुशियाँ दें, क्यों, ये हमारे अंदर इस खुशी की कैफियत मौजूद है 24 आवर्स अंटिल वी डाई। अब इस कैफियत के लिए चंद स्टेप्स लेना ज़रूरी है। पहली चीज़ तो रियलाइजेशन, और मेरी कोशिश ये है कि इतनी देर से मैं रियलाइज कराऊँ आपको कि ये इमोशन नहीं है, प्लीज इमोशन नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ बीइंगनेस है, आपके अंदर मौजूद है। आप किसी से बुरे हाल में भी हो, कल किसी ने, कोई परेशान था तो उसने मुझे पता नहीं मेरा नंबर कहाँ से मिल गया, SMS किया और मैं जवाब देता गया, और वो खातून जो है वो SMS पे, काफ़ी लंबी बात, मैं नॉर्मली बात करता नहीं हूँ SMS पे भी, मगर बहरहाल उनकी कंडीशन ऐसी थी कि मैं नहीं चाहता था कि मैं उस वक्त स्टॉप करूँ, शदीद डिप्रेशन में थी, रो रही होंगी। वैसे रोने से पहले कॉल ले ले, चले कॉल लेते। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं डॉक्टर मुईज? मैं ठीक हूँ। कौन, कहाँ से, आवाज़ जानी पहचानी है? जी मैं उरैद बात कर रहा हूँ, कराची से। जी उरैद,
ईद मुबारक आपको, ईद आखिर मुबारक आपको, ईद मुबारक। थैंक यू बेटा। आपका जो टॉपिक है हैप्पीनेस, हाँ? तो मेरा एक मैसेज है कि हमें खुद भी हैप्पी रहना चाहिए, सबको हैप्पी रखना चाहिए, और अगर कोई हमारी वजह से गुस्सा होता है तो हमें उससे माफी मांग के उसको उसके गुस्से को भी हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर देना चाहिए। और आपका शो मैं बहुत शौक से देखता हूँ, आप बहुत अच्छे हैं और मुझे आपका शो बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत शुक्रिया बेटा। उरूज आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया बेटा। आप कितनी उम्र है आपकी? जी मेरी 10 इयर्स। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। यू नो मैं होपफुल हूँ, बड़ा पुरुमीद हूँ इस मुल्क के मुस्तकबिल से, कि अगर इतनी छोटी उम्र की 8 साल की बच्ची, 10 साल का लड़का अगर ये प्रोग्राम देखते हैं, और इनकी सोच ये है कि असल खुशी ये है कि आप खुश रहें, दूसरों को खुशी दें, अगर कोई नाराज़ है आपसे तो उसे माफ़ी मांग लें या उसे मना लें, अगर यही रवैया हमारी कौम में आ जाए, बड़ों में आ जाए काश, तो मेरे ख्याल में हमारे मुल्क के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे, बिलखसूस कराची के। एक ब्रेक पर जाते हैं, कहीं मत जाइएगा, आपको पता हम बड़ी जल्दी वापस आते हैं, तो वी विल बी राइट बैक, टेक अ ब्रेक।